बीते हफ्ते हुई खल व्यापारी से लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 1,04,000 रुपए नकद और एक बाइक के साथ हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी नाटोरियस किस्म के अपराधी हैं, जो आसपास के जिलों में भी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बता दें कि 15 फरवरी की शाम गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुस्लिम सैजन में एक खल व्यापारी तकादे से लौट रहा था, तभी घात लगाए दो बाइक सवार बदमाशों ने खल व्यापारी को गोली मारकर उससे करीब 1,80,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गईं। जिसका एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 1,04,000 नकद एक बाइक के साथ अवैध तमंचे बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों ही आरोपी आसपास के जिलों में भी लूट चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अब इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये दिनांक 15 तारीख को गुन्नौर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। एक व्यापारी खल का व्यापारी था, वो अपने बाजार से पैसे इकट्ठा करके लेके आ रहा था। उसके साथ अपाचे सवार कुछ न्यूसेंस लोगों ने उसको धक्का देकर के गिरा दिया और उसके बाद उसके पैर में गोली मार दी और उसके पास जो भी पैसे थे उसको छीन के लेकर के भाग गए। इसमें टीमें बनाई गई थी और सभी टीमों ने अथक मेहनत करके ये अपराधी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक अपराधी राजेश और दूसरा राम खिलाड़ी उर्फ किल्ला है, ये दोनों पकड़े गए। इनका एक साथी नेमपाल है जो अभी भी फरार है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि लगातार इस क्षेत्र में रेकी करते हैं। शनिवार के दिन जब भी बाजार में कोई व्यापारी जाता है तो उसकी पूर्व से ही रेकी करते हैं और उसके बाद सॉफ्ट टारगेट समझ करके व्यापारियों पर हमला करते हैं और उनके पास जो भी पैसा रहता है उसको लूट लेते हैं। इस तरीके से ये घटनाएं कर रहे थे। अब ये गिरफ्तार किए गए हैं, इनके साथ विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या बरामद किया गया है? 1,04,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं, अपाचे बाइक जो इन्होंने लूट में प्रयुक्त की थी वो बरामद हुई है और मोबाइल बरामद हुआ है, जिससे ये लगातार उस क्षेत्र में नेटवर्किंग का काम कर रहे थे। इनका बहुत ही गंभीर आपराधिक इतिहास है। जो इसमें राजेश है उसके ऊपर 16 केसेज हैं और जो राम खिलाड़ी है उसके ऊपर भी 6 केसेज हैं। ये लगातार नोटोरियस अपराधी हैं जो क्षेत्र में अपराध कर रहे थे। अब ये पकड़े गए हैं और इन्हें अब जेल भेजा जाए। कई जनपद से बाहर भी वारदात हो? हाँ, कई जनपदों में, आसपास के जनपदों में, अमरोहा, बदायूं और आसपास के जनपदों में, दिल्ली में भी ये इनका नेटवर्क है और लगातार ये अपराध करते रहे। बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं और ये अब पकड़े गए हैं और इन्हें जेल भेजा जा रहा है।